राजस्थान में सेकंड होम मिनिस्टर जाटों का होगा, नहीं तो उतल के उसके सिंगा डाल देंगे। ये बात करो आप, क्या बात करते हो आप। राजस्थान में 25% संख्या बतावे जाटों की, और वो जई आड़ो सिंगो राखो करने छाती माथे टेकर जाट लेवण की हिम्मत राखे। आ हिम्मत रो बरदान की दिखाओ नहीं भाया, काई मांगे जमीन और काई। अपने एक नंबर तो राजस्थान में कोई कौन बनावे, आ देख ली थे सिंगा लियाओ साथे और लाखों की तादाद में उमड़ जाओ। काई भाया मांगनो है, दो नंबर तो बनावे लो कोई, ये हूँ नीचे कहीं जाओ ला बच्चे। अब आर माऊ पूर्व वक्ता भाषण दियो और 1999 का आंदोलन की बात करी, जरा जाटा ने आरक्षण मिलियो तो माका जिला का लोग देखो, आपने बीच में स्यापा और पगड़ी वाला मिलेला बा नागौर की पहचान है। 1999 में 200 MLA में जाट आरक्षण का मंच पर डॉक्टर हरि सिंह जी, डॉ विजय पूनिया जी और डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी और 200 MLA में एक रिछपाल मिर्दा ही मंच माते आयो। रिछपाल मिर्दा एक मंच, एक MLA भी टाइम में आपके इस मंच पर आया था और अटल बिहारी जी ने अपने उस समय इसकी घोषणा की थी। तो अपने को गर्व से कहना है कि हम जाट हैं, हम गर्व से कहते हैं हम जाट हैं, और अपने को दूसरी कौमों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। क्योंकि हमारे नागौर में एक कहावत है कि एक लो सांड पिरंडो नहीं दे सके, तो एक ला हांडू पिरंडो कौन लागे भैया। 36 कौम ने साथ लेर चालनो चाहिए। और राजस्थान में अबार वह तारा चंदीर मांगे, कोई जमीन मांगे, कोई काई मांगे हो, राजस्थान में 25% संख्या बतावे जाटा की, और वो जई आड़ो सिंगो राखो करने छाती माथे टेकर जाट लेवण की हिम्मत राखे। आ हिम्मत रो बरदान की दिखाओ नहीं भाया, काई मांगे जमीन और काई। अपने एक नंबर तो राजस्थान में कोई कौन बनावे, आ देख ली थे। पर अपना राजस्थान में अनेकों अनेक नेता ऐडा हुआ जगह राजस्थान को राज बदलियो और दिल्ली को राज बदलियो। वामे चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, नाथुराम मिर्दा जेड़ा नेता हुआ देखो, हिंदुस्तान को राज बदलियो और दिल्ली को और जयपुर को राज बदलियो। बेड़ी ताकत रखो नहीं, काई मांगो, मांगो तो नंबर दो को कि हमारा आपकी राजस्थान में सेकंड होम मिनिस्टर जाटों का होगा, नहीं तो उतल के उसके सिंगा डाल देंगे। ये बात करो आप, क्या बात करते हो आप। सिंगा लियाओ साथे और लाखों की तादाद में उमड़ जाओ। काई भाया मांगनो है, दो नंबर तो बनावे लो कोई, ये हूँ नीचे कहीं जाओ ला बच्चे। होम मिनिस्टर जाटों का होना चाहिए, उसी सरकार को लाएंगे और उस सरकार को जिताएंगे। ये काम राजस्थान का जाट करेगा। मैंने ज्यादा कर मारवाड़ी में बोलने की आदत है, इमात मैं आप सब माफी चाहूँ। मैंने ये मंच माते है एक नंबर की डिमांड ना, दो की नहीं, एक नंबर की। गाबा खेंचे के बोल मती, तो ही बोल। समाज ने हर व्यक्ति को मौका दिया है, जाट के बेटे को मौका दिया है। हर हम जाट के बेटे हैं, जो जाट का बेटा कहता है कि इन्होंने क्या किया, वो क्या किया। जब नाथुराम मिर्दा और बलदेव राम मिर्दा ने किसानों को खातेदारी की जो जमीन जोतते उसको जोतने का हक दिलाया, ये काम किया उन्होंने इस कौम के लिए किया। भाइयों मैं ज्यादा मारा लारू वो खींचा ही मात है, करें और दूजो मौको आए जर बोला। पर जाट वो स्वाभिमानी कौम है, मार्शल कौम है, जो फौज में अपनी शहादत देती है और जिसने समाज के लिए किया उनको पहचानो, और जो समाज को बेचने का काम करता है उनको पहचानो। ये पहचान आपको होनी चाहिए। तो आपके मैं कीजिए की बातों को समर्थन करो, जरा हाथ उबा कर समर्थन करो। मैं जाट महाकुंभ में आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। और अनेकों अनेक नेता है, कोई बोलने से छूटे नहीं, आप हर के सब नेताओं के दो शब्द सुन के जाएं। पर दो बातें याद रखनी है, दो नंबर की कुर्सी लेनी है और सिंगा डाल के लेनी है, सिंगा। ओ अरे एक नंबर कौन देवे अपन ने, एक नंबर कौन देवे, दो नंबर वो सिंगो। आ जई ले आयो नी भाई, आ जई और लेनो है। बोलो वीर तेजा जी महाराज की, राजा सूरजमल महाराज की जय हो। श्रीमान भाइयों टाइम बदल गया है,
दो में नहीं मानेंगे, हमें एक नंबर चाहिए। एक नंबर, बोलो तेजा बाबा महाराज की जय। हम बॉर्डर पे भी एक नंबर पे हैं, ओलंपिक पे भी एक नंबर पे हैं, तो राजनीति में भी एक नंबर पे रहेंगे। बोल तेजा जी महाराज की जय। लोहा टाटा।